तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, बॉलीवुड ने वाकई में ऐसा नाम कमाया है, इनके पास कंटेंट होता है यार दमदार, जो आप सोच भी नहीं सकते। ये लोग वैसी मूवी बना देते हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है क्रिस्टोफर नॉलन का। बहुत से लोग जानते नहीं होंगे इन्हें, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि आप इन्हें जानते हैं। बैटमैन द डार्क नाइट देखी है सबने, ये वही हैं जिन्होंने इसका डायरेक्शन किया है। इसके बाद मोस्ट फेमस इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, द डे आफ्टर ट्रिनिटी और टेनेट जैसी दमदार मूवी इस डायरेक्टर ने ही दे रखी है। ये सब मूवी अपने आप में एक लीजेंडरी कंटेंट लेकर बैठी हैं, जिनका हाइप मैच कर पाना किसी भी ऑर्डिनरी डायरेक्टर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि ओनली क्रिस्टोफर नॉलन, ये बंदा जिस हिसाब से इसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसे यही बंदा स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर पाता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी एक और अनबीटेबल लेगेसी में इस बंदे ने एक मूवी को और ऐड कर दिया है, ओपनहाइमर। ये फिल्म क्रिस्टोफर नॉलन की हिस्टोरिकल मूवी होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरा हिस्ट्री से कनेक्ट करा गया है आपको। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो यस, ये फिल्म आप ही के लिए है। हाँ, रिव्यू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये फिल्म हर किसी ऑडियंस के लिए नहीं है। जो दिमाग लगा सकता है, जिसे मूवी में मसाला नहीं चाहिए, एक्शन नहीं चाहिए, ये उन्हीं के लिए है। जिसे ड्रामा चाहिए, पॉलिटिकल कनेक्शन में जिसे मज़ा आता हो, कोर्टरूम ड्रामा देखने में इंटरेस्टेड हो, ये उन्हीं के लिए है। देखो, कुछ फिल्में होती हैं जो डायरेक्टर के नाम से चलती हैं, जिनका डायरेक्शन नेक्स्ट लेवल होता है। अगर आपको बहुत अच्छे से रिलेट कराऊं तो राजामौली, ये नाम सुनते ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन। सेम एज प्रशांत नील, राजकुमार हिरानी, अनुराग कश्यप। बस अब आपको क्रिस्टोफर नॉलन की औकात पता लग जाएगी कि क्यों आखिर ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ओपनहाइमर एक साइंस पर बेस्ड फिल्म है, जिसमें ओपनहाइमर की ऑटोबायोग्राफी दिखाई गई है। अब ये बंदा कौन है? एटॉमिक बॉम्ब का नाम सुने हो, ये उसी के पप्पा हैं। जी हाँ, वही एटॉमिक बॉम्ब जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में भीषण तबाही मचाई थी, जिसका रिएक्शन आज भी देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ आज भी जब कोई बच्चा पैदा होता है, रेडिएशन की मार उस पर साफ देखने को मिलती है। तो यस, इस फिल्म का यही रूट कॉज है। ओपनहाइमर, जिसकी एक पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है कि किस मकसद से उसने एटॉमिक बॉम्ब को क्रिएट करा था और अब उसका क्या यूज हो रहा है, तो उस बंदे पर केस ठोक दिया जाता है कि इतना खतरनाक हथियार बनाने की आखिर जरूरत क्या थी, मतलब तुम नाजी पार्टी से जुड़े हो वगैरह वगैरह। तो ये बंदा अपने आप को कैसे प्रूव करेगा, उसका वो इंटेंशन नहीं होता। देखो, बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं आप लोगों को इस मूवी में, कैसे एक छोटे से स्टेप से इस बंदे की पर्सनल लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है, इसके रिलेशन में इफेक्ट पड़ता है, डिप्रेशन का शिकार बनने लगता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन को इतना प्रेशर टॉलरेट करने से हाथ खड़ा करवा सकता है। जी दोस्तों, मूवी की लेंथ 3 घंटा 10 मिनट है। बहुत प्योर कंटेंट इस्तेमाल करा गया है। दूसरा ये कि ये फिल्म एंटरटेनमेंट के पर्पस से नहीं है, जिसमें कुछ सीखने की भूख है, ये उस बंदे के लिए बेस्ट चॉइस है। हाँ, मे बी आपको बोरियत होने लगेगी मूवी में एक बार के लिए, क्योंकि टॉक शो ज़्यादा है। पूरी फिल्म बातों पर घूमती है, एक बात के ऊपर दूसरी बात, फिर इन दोनों बातों को अलग से क्लियर करने के लिए तीसरी बात, बिल्कुल ऐसे ही सर घूमेगा एक बार के लिए। दूसरा, कोर्टरूम ड्रामा नेक्स्ट लेवल है। फिर एक साइंटिस्ट की लाइफ, कैसे वो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करता है, कैसे एक बार के लिए वो गलत है लेकिन अपने आप को कौन दोषी दिखाएगा या गलत दिखाएगा, ढेर सारा गिल्ट, पछतावा एक बार के लिए कि ये सोचना कि ये मैंने आखिर कर का दिया। तो इमोशनल ड्रामा भी देखने को मिलेगा भरपूर। समटाइम अगर आप कहानी से जुड़ गए तो आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रामा ही है, आपको मोटिवेशन, अटैचमेंट भी देखने को मिलेगा। क्योंकि साइंटिस्ट के पास वो अनबीटेबल एटीट्यूड होता है, जो हार के भी दोबारा खड़ा होना जानता है, और अगेन एंड अगेन ट्राई मेक्स हिम सक्सेसफुल। तो समटाइम गूज़बम्स भी अच्छे उठेंगे, मजा आएगा। बाकी मूवी फुल पैक ऑफ एक इंसान की गलती पर बेस है और उसकी समटाइम अच्छाई पर भी बेस है। दूसरा, मूवी का मेन क्लाइमेक्स ये है कि एटॉमिक बॉम्ब फोड़ते दिखाया गया है, और ये 10 से 15 मिनट का सिक्वल थिएटर में अलग माहौल सेट कर देगा। जहां तक न्यूज़ ये भी रिवील हुई है कि क्रिस्टोफर ने इस सीन को दिखाने के लिए कोई CGI इफेक्ट यूज़ नहीं करा है, कोई VFX नहीं डाला है। इट मीन्स ये कि एक रियल ब्लास्ट प्रिपेयर करा गया था मूवी में, रियल इंसिडेंट को कैप्चर करके पब्लिक तक इसके मॉन्स्टर इम्पैक्ट और इफेक्ट को बहुत बारीकी से फील कराने के लिए ये सीन क्रिएट करा गया था। क्योंकि जितना आसान ये नाम लगता है एटॉमिक बॉम्ब, इसका इम्पैक्ट बहुत डिसास्ट्रस है। एक जीती जागती लाइफ का दी एंड सिर्फ कुछ एक सेकंड्स में, बूम। बाकी बात अगर कास्ट की करें तो भाई मजा आ गया। क्या कास्टिंग करी है, किलियन मर्फी जिन्होंने ओपनहाइमर का किरदार निभाया है, भाई साहब इस बंदे को सैल्यूट है यार, ही रियली डिजर्व एन ऑस्कर। क्या एक्टिंग करता है ये बंदा, मतलब पीकी ब्लाइंडर्स में हमने इसकी एक्टिंग देखी थी, एक गैंगस्टर वाला लुक, पर इसमें एज साइंटिस्ट इस बंदे ने आग लगा दिया है।
बाय गॉड सेम एज ओपनहाइमर को देख रहे हैं वाला फील दिया है। इसी के साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी देखने को मिलेंगे और इस बंदे की तो क्या ही तारीफ करूं। मतलब आपको शुरू के 10-15 मिनट यकीन नहीं होगा कि हम द नंबर वन सुपर हीरो आयरन मैन को देख रहे हैं। बिल्कुल टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, एक्टिंग में जबरदस्त दम है इनके। साथ ही आपको एमिली ब्लंट देखने को मिलेंगी, मैट डैमन जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। बात अगर मूवी बजट की करें तो दोस्तों लगभग 821 करोड़ के टोटल खर्चे में मूवी को कंप्लीट करा गया है। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी अभी तक इस फिल्म को देख लिया है तो मूवी आपको कैसी लगी? दूसरा, क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन के आप कितने बड़े फैन हैं? तीसरा, किलियन मर्फी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर दोनों में से बेस्ट एक्टर कौन लगता है आप लोगों को? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।